भोजपुरी भाषा और इसमें बनने वाले गाने फिल्में वैसे तो देश दुनिया भर के लोगों के चाहते हैं। लोग अब यहाँ बनने वाली मूवीज और एल्बम्स को बॉलीवुड की मूवीज और एल्बम्स की तरह ना सिर्फ पहचानते हैं बल्कि पसंद भी बेहद करते हैं। मगर फिर भी बावजूद इस प्रगति के एक मजबूत देश रोज भोजपुरी की इंडस्ट्री से खफा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये सुनकर आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि अब भला ये क्या माजरा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि रूस जैसा ताकतवर देश भोजपुरी इंडस्ट्री से अपनी नाराजगी दिखाए। तो पूरा मामला क्या है हम आपको वीडियो में आराम से बताते हैं, गौर से सुनिए और समझिएगा। तो मामला यह है कि भले ही भोजपुरी गानों की दीवानगी पूरे दुनिया के लोगों पर सर चढ़कर बोलती हो, शादी ब्याह हो या फिर कोई फंक्शन हो, घर में हो या ऑफिस की पार्टी हो, भोजपुरी गानों के बिना ये अधूरे से लोगों को लगते हैं। लेकिन इन्हीं सब गानों के बीच कुछ ऐसे भी गाने आए हैं जो लोग अकेले ही सुन सकते हैं, परिवार के साथ नहीं। ऐसे में रूस से जो नाराजगी की वजह सामने आ रही है वो ये है कि इन दोनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में रशियन लड़कियों के ऊपर खूब गाने बनाए और गाए जा रहे हैं। लगातार ऐसे कई गाने बने हैं जो रूस की लड़कियों की तरफ इशारा करते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं। ऐसे में रूस भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री पर एक्शन ले सकता है। रशियन लड़कियों पर बने गाने जैसे कि रशियन राशन में बंटवा देंगे, रशियन नचवाने जैसे और भी गाने शामिल है। हाल ही में कल्लू ने भी अपने गाने में रशियन लड़कियों को टारगेट किया था। बस लगता है कि लगातार अपने देश की लड़कियों पर बनते ऐसे गानों के चलते ही रूस भोजपुरी इंडस्ट्री से खफा है। खैर ये बात अभी बड़े स्तर पर सामने नहीं आई है, मगर जल्दी हो सकता है कि आ जाए। देखते हैं कि अगर रूस जैसा मजबूत देश इस इंडस्ट्री के खिलाफ उस एक्शन लेता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार्स इस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं। फिलहाल आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।